दोस्तों आज फाइनेंस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि फाइनेंस निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे उन्हीं लेवल के आसपास से फाइनेंस निफ्टी ने एक करेक्शन लिया और यहां से एक अमूल डाउनफॉल देखने को मिला। ऐसे में हम आ जाते हैं एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे। अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लें। जैसे कि हम यहाँ पे एंजल स्पार्क में आपको इंस्टा ट्रेड का एफ एंड ओ ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एफ एंड ओ का चार्ट लग जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, जो 28 फरवरी एक्सपायरी का हमने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था और आपको बताया था कि इसके अंदर जो एक चैनल ड्रा हुआ है, हमने यहाँ पे एक चैनल को एक ड्रा करके रखा है जो कि एक पैरेलल चैनल है और इस चैनल के नीचे की जो लाइन है यहाँ एक काम कर रही है, इसके अंदर सपोर्ट का काम पहले कर रही थी लेकिन अब ये लाइन इसके अंदर रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और इसके आधार पर हमने कहा था कि फाइनेंस निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स 18,400 के नीचे स्लिप होता है तो हमें 18,300 to 18,250 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमें देखने को मिला कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया और इसके नीचे ही फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स स्लिप होता हुआ नजर आया। इसके साथ हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल को यहां पे लगा के रखा था जो 18,283 था और इसी लेवल के आसपास हमें फाइनेंस निफ्टी स्लिप होता हुआ नजर आया, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल के आधार पर हमने फाइनेंस निफ्टी के इंडेक्स को प्रेडिक्ट किया होगा तो जरूर यहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर उठाया होगा। आपको देखने को मिलेगा कि एमएसडी लाइन भी यहां पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर की ओर के लिए इंडिकेट हो रही है, मतलब कि अगर फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स जो है ये 18,280 के नीचे स्लिप होता है तो हमें फाइनेंस निफ्टी में यहाँ से 80 पॉइंट की हो जाती गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ से फाइनेंस निफ्टी में हमें निगेटिव पैटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी निगेटिव पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से फाइनेंस निफ्टी जो है ये 17,900 to 18,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। तो इन लेवल के ऊपर अब हमारी नज़र रहेगी। वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन पे हम इस लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। यह लेवल अब इसके फाइनेंस निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करने वाले हैं। वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर फाइनेंस निफ्टी का जो लेवल है इस समय बना हुआ है 18,300 या 18,280 का लेवल बना हुआ है, यह एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यह लेवल फाइनेंस निफ्टी होल्ड कर लेता है तो वापस से हमें फाइनेंस निफ्टी में 18,400 to 18,500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यह लेवल अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस के लिए बने हुए हैं तो इन लेवल की को हम देख सकते हैं। एनी टाइम हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में हमें पोजीशन बनाना चाहिए, अगर हमारा व्यू ऐसा लगता है कि मार्केट नेगेटिव आ सकता है तो पुट ऑप्शन लेने के लिए ऑप्शन चेन का हमें यूज़ करना होता है। ऑप्शन चेन के ऊपर हमें क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आज 21 फरवरी की एक्सपायरी थी और अब जो एक्सपायरी आने वाली है 28 फरवरी की आने वाली है तो हम 28 फरवरी के साथ जाना चाहेंगे और हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में और ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकती है तो हम यहाँ 18,300 का एक पुट अच्छा लगता है और 18,400 का पुट भी एक अच्छा खासा लगता है। तो इन दो पुट ऑप्शन को हम ट्रेक कर सकते हैं, इनके साथ हम जा सकते हैं और अगर हम को लगता है कि फाइनेंस निफ्टी जो है 18,300 का एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से वापस ऊपर आ सकता है तो हम जो कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे 18,300 या 18,200 का एक लेवल है, इनके साथ हम जा सकते हैं और यहाँ से हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के साथ पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉल आए या पुट ऑप्शन लेना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट नेगेटिव साइड में आ सकता है तो हमें आपको देखने को मिलता है जो 18,300 के साइड में 131.70 लिखा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चार्ट ऑप्शन का यूज़ करके चार्ट लगा लेते हैं। जैसे चार्ट हम लगाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 5 मिनट का या 4 मिनट का चार्ट कर लेते हैं ताकि आपके सामने डेटा स्पष्ट हो जाए। आपको देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार का यहाँ पर डेटा बना हुआ था और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बना हुआ था लेकिन कभी भी इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ नजर आता है और यहाँ पे लगता है कि हमें फाइनेंस निफ्टी को बाय करना चाहिए पुट ऑप्शन को, तो यहाँ बाय ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना होता है और जितने लॉट लेना चाहते हैं वो लॉट को यहाँ पे मेंशन करना होता है। एक लॉट में 40 क्वांटिटी आती है तो हम यहाँ सिंपल एक टाइप करेंगे। करंट वैल्यू के साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा ये 5,268 रुपीज़ लगेगा। एप्लीकेबल चार्जेस जो लगने वाले हैं आप यहाँ चेक कर सकते हैं, बाय बटन पर सिंपली क्लिक करना होगा। जिसे बाय
बटन पे क्लिक करते हैं तो कंफर्म बाय का ऑर्डर हमारे सामने आता है। यहाँ कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। एक बार ऑर्डर लगने के बाद आप अपना P&L आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। आपको इंस्टाट्रेट पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि आप एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में आप अपना P&L आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। एनी टाइम अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट से बाहर आना है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑर्डर का, इस पर क्लिक करके आप ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। तो इतना आसान होता है एंजल स्पार्क एप्लीकेशन का यूज़ करना। दोस्तों अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल स्पार्क एप्लीकेशन के साथ ओपन करें। एंजल स्पार्क एप्लीकेशन की फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी प्रकार की दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।